हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा वी गार्ड कंपनी के इंडक्शन कुकटॉप के डिस्प्ले कंट्रोल पैनल के ऊपर में। ओके, अभी आप यहां पे देखेंगे। सबसे पहले यहां पे डिस्प्ले कंट्रोल पैनल दोस्तों मेरे पास रिपेयरिंग होने के लिए आई थी, जो दोस्तों एक टेक्नीशियन भाई लेके आया हुआ है। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ ऐसे होता है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि इसका जो ऑन ऑफ का स्विच है, यहाँ पे ऑन ऑफ है, यहाँ पे फंक्शन है, ये दोनों स्विच काम नहीं कर रहा। पहला तो दोस्तों ये ऑन नहीं हो रहा, मतलब कि स्टैंड बाई पोजीशन में है, ये की दबाने पे भी ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है जी। फिर उन्होंने क्या किया, पूरी एलईडी को यहाँ से, जैसे एलईडी देख रहा ना, पूरी एलईडी बाहर निकाल दी, पूरी स्विच को बाहर निकाल दी, और दोस्तों जो 4 डिजिट का 7 सेगमेंट का डिस्प्ले है इसको भी उन्होंने क्या किया, बाहर निकाल दिया। ओके, बहुत सारे वीडियो में मैंने भी बताया कि कभी कभी ये स्विच शॉर्ट हो जाती है, कभी कभी एलईडी अगर लीकेज हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, फिर भी आपका ऑन ऑफ वाला की काम नहीं करता। हो सकता है उन्होंने वीडियो को देखा हो, सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले आएंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बार सप्लाई दिखा देता हूँ। यहाँ पे सप्लाई दूंगा, यहाँ से मैं की को अगर पुश करता हूँ तो ये दोस्तों स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा है, मतलब कि यहाँ से ऑन होना चाहिए। ओके, कैसे कन्फर्म होगा, जैसे यहाँ पे दबाएंगे तो एक बीप का आवाज़ आएगा, और जैसे फंक्शन दबाएंगे तो फैन रनिंग हो जाएगा और बीप बीप करके आएगा। ओके, अब इसमें दोस्तों क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पहले तो हम कन्फर्म करेंगे कि ये डिस्प्ले में लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, एक छोटा सा एलईडी जो 5 mm का इसको लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चाहे काम करते हैं, ये 7 सेगमेंट का डिस्प्ले को लगा लेते हैं, इससे हमका हमारा कंफर्म होगा कि यहाँ पे लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है जी। अब दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले लगा दिया। डिस्प्ले लगाने के बाद बकायदा इसके अंदर डिस्प्ले आ रहा है, ये देख सकते हैं, लेकिन ये की काम नहीं कर रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको फोकस करना है, देखिए अब दोस्तों आपको यहाँ पर फोकस करना है। क्या फोकस करना है, इसमें टोटल वायर जो है ये 4 वायर है, मतलब कि 4 वायर है, ठीक है। ये वाला जो वायर है ये ग्राउंड है, दूसरा वाला दोस्तों वायर है ये 5 वोल्ट के लिए है, तीसरा वाला दोस्तों यहाँ पे RXD लिखा है, ओके, मतलब रिसीव करने के लिए है, और दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर यहाँ पे TXD लिखा है, मतलब ट्रांसमिशन के लिए है। ओके, मतलब क्या होगा, ये 2 वायर तो आपका VCC और ग्राउंड के लिए हो गया, ठीक है जी, 5 वोल्ट और ग्राउंड, और ये 2 वायर जो है दोस्तों, 1 वायर का काम है लेना और 1 वायर का काम है देना। ये मेन PCB से सिग्नल लेगा और डिस्प्ले कंट्रोल पैनल से सिग्नल देगा। ओके, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 IC की यूज किया गया है, एक तो आपका 1668 IC है और एक दोस्तों प्रोग्रामर IC है। अगर ये दोनों IC खराब हो जाएगा तो समझ लो यहाँ पे आपका डिस्प्ले नहीं आएगा। दोनों में से कोई एक भी IC खराब होगा तभी भी आपका डिस्प्ले कंट्रोल पैनल काम नहीं करेगा, लाइट नहीं आएगा, ठीक है जी। ये आपको मैंने बेसिक बता दिया। ओके, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले ध्यान देंगे, जब किसी मैकेनिक भाई के पास आया था तो आपको पहले बता दिया कि सभी चीज़ को उन्होंने चेंज करके देख लिया, मतलब कि यहाँ पे हटा के देख लिया जो शॉर्टिंग क्रिएट करती है। अब यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए कुछ नहीं बचा है। ओके, अगर इसमें से दोनों में से कोई IC शॉर्टिंग होगी तो डिस्प्ले में लाइट नहीं आएगी, ये भी आपको मैंने बता दिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से आपको बताने वाला, प्रॉब्लम तो इतनी छोटी सी है, अगर मैं चाहूँ तो इसको 2 सेकंड में बता सकता हूँ, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे समझना भी पड़ेगा कि हाँ कैसे काम करता है। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए ये वाला जो आपका वायर है TX वाला जो आपका ट्रैक है, ओके, यहाँ से होते हुए और यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए और यहाँ से होते हुए दोस्तों, यहाँ से होते हुए ये वाला IC पे जा रहा है, ठीक है जी। ओके, कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ जैसे कहाँ पे जा रहा है, और थोड़ा सा समझना दोस्तों, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को अगर आप समझोगे नहीं, चाहोगे कि हम तुरंत रिपेयरिंग कर ले, तो रिपेयरिंग तो कर लोगे लेकिन आप सीख नहीं पाओगे, तो पहले आप समझो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ट्रैक पकड़ता हूँ, अब ये जा कहाँ पर रहा है, ये देखिए यहाँ से होते हुए यहाँ पर आया, इसको मैं बजर मोड में कर देता हूँ कि आपको समझ में आए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से गया ना यहाँ पे, यहाँ पे नहीं जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे आया, ठीक है। फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पे आया, यहाँ से होते हुए दोस्तों यहाँ पे आया, जम्पर लगाया, मीटर ही बंद हो गया, यहाँ पे जम्पर लगा,
फिर यहाँ से होते हुए यहाँ आया और यहाँ से होते हुए सीधे ए आपका ए वाला आईसी पे आया, मतलब कि ए आपका टीएक्स वाला इस आईसी पे आया। अब रिसीव वाला कहाँ पे जा रहा है, इसी पे जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ से होते हुए ये रिसीव वाला ए वाला ट्रैक है, ये यहाँ से होते हुए ये वाला रिसीव, ये देखिए ये रिसीव हो गया। फिर यहाँ से होते हुए ये कहाँ जा रहा है बाबा, ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आया। फिर यहाँ से होते हुए ए वाला, मतलब ये जो आईसी लगी हुई है, ओके यहाँ पे ध्यान देंगे, इसकी एक नंबर पिन दोस्तों टीएक्स है और दो नंबर पिन रिसीव है, ओके। मतलब क्या होगा, ये जो यहाँ से मेन पीसीबी से जो भी डेटा आएगा ये दो नंबर पिन पे आएगा और जो भी डेटा जाएगा वो एक नंबर पिन से जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर पिन और दो नंबर पिन पे हम चेक करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज चेक करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहाँ पे मल्टीमीटर को डीसी में चेक रख लेते हैं और यहाँ से मैं ग्राउंड ले लेता हूँ जो आप लोग को दिखे। ये मेरा ग्राउंड वाला पिन है, मेरे को छूना मत नहीं तो करंट मारेगा। तो यहाँ पे अब सबसे पहले इस पर चेक करते हैं, 2.3 वोल्ट है टीएक्स पे और रिसीव पे चेक करते हैं 5 वोल्ट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले एक इस पिन पे चेक करेंगे वोल्टेज, टीएक्स पे चेक करेंगे पिन पे तो 4.8 वोल्ट है और रिसीव पे हम चेक करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे भी 4.8 वोल्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 1.5 वोल्ट है, मतलब कि आईसी पे हमारा 5 वोल्ट है लेकिन यहाँ पे 5 वोल्ट क्यों नहीं है, ओके। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये टीएक्स वाला है तो आईसी ही देगा ना सिग्नल को, ये माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, माइक्रो कंट्रोलर के पास जाएगा और यहाँ से ले रहा है, रिसीव से ले रहा है, तो 5 वोल्ट रिसीव पे है लेकिन टीएक्स से भी 5 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि जब ले रहा है दे रहा है तो 5 वोल्ट का सिग्नल है तो 5 वोल्ट ही होना चाहिए, ओके। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ से रिसीव जो हमारा, सॉरी यहाँ पे टीएक्स वाला है, हमारा टीएक्स वाला यहाँ पे आया, यहाँ पे से फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से होते हुए हमारा यहाँ पे आया और यहाँ पे हमारा देखेंगे तो हमारा नहीं आया। तो आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो आपका एक ट्रैक ओपन मिलेगा, कटा हुआ मिलेगा। आप जूम करके एक बार देखो, अगर दोस्तों यहाँ से ट्रैक कट गया तो क्या हुआ, ये वाला जो आईसी है प्रोग्रामर आईसी, ओके, ये वाला आईसी जो इसके अंदर आईसी लगी है माइक्रो कंट्रोलर, दोनों आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, दोनों की दूरी बन गई है, ओके। अब दूरी बन गई है तो मतलब कि आप यहाँ से मान लो चाबी ऑन कर रहे हो लेकिन यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है, ये माइक्रो कंट्रोलर को बता ही नहीं पा रहा है कि यहाँ पे हमको सिग्नल चाहिए ऑन होने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रैक को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ट्रैक को क्या किया, यहाँ पे आपस में ज्वाइंट कर दिया। अभी दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे मैं सप्लाई देता हूँ, ठीक है, बकायदा यहाँ पे डिस्प्ले में लाइट आया और बकायदा हमारा की काम करने लगा। तो मतलब आपने क्या समझा कि अगर मान लो कि अगर इसको एक भी अगर ये टीएक्स या रिसीव वाला ट्रैक कट जाएगा, डिस्प्ले में बकायदा लाइट आएगा लेकिन दोस्तों की काम नहीं करेगा। अगर आपको कंफर्म करना चाहते हो तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि इसमें सिग्नल कैसे पास हो रहा है, कितना पास हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ठीक है जी।